सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुलता बरगोत्या। हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स यानी हम सिलिकॉन्स और फॉस्फोजिन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में जो है डिस्कशन किया था। हमने का ये स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन देखा था कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते किसे हैं और कैसे ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो यूनिट है वो स्पेशल रेफरेंस टू सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजिन्स हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है मैक्रोसाइज्ड मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बैकबोन एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, तो अगर कार्बन को छोड़ के अगर दूसरे एलिमेंट्स की बैकबोन बने, जैसे सिलिकॉन की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, एल्युमिनियम की और किसी भी एलिमेंट की अगर बैकबोन बने कार्बन को छोड़ के, तो उन पॉलीमर्स को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अब इन पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हम किन बेसिस पे कर सकते हैं, तो हम कुछ बेसिस देखते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है जैसे बेस्ड ऑन किस किस पे बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एटम्स इन स्केलेटन, ठीक है, एटम्स इन स्केलेटन के बेसिस पे किया जाता है कि किस तरह के एटम्स स्केलेटन में प्रेजेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स इन पॉलीमर, ठीक है, किस तरह के एलिमेंट्स पॉलीमर में प्रेजेंट है कि हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस मेथड से पॉलीमर बनाया गया है, वो उसके जो है क्लासिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होता है। या फिर कॉन्जुगेटेड एटम प्रेजेंट, यानी किस तरह का जो एटम है, कॉन्जुगेटेड एटम उसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को हमने मेनली चार टाइप से क्लासिफाई किया है और ये जो चार टाइप्स है वो हमें बताएंगे कि हम किस तरह किस किस टाइप के इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो हर जो बेसिस है उसको हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं कि हमने किस तरह से पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है। जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारे क्लासिफिकेशन का वो है एटम्स इन स्केलेटन। इसमें हम पॉलीमर्स को, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक है होमोएटॉमिक, एक है हेटरोएटॉमिक। एक है होमोएटॉमिक और एक है हेटरोएटॉमिक। अगर किसी इनऑर्गेनिक पॉलीमर में सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम है, वन टाइप ऑफ
एटम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक पॉलीमर। और अगर इसमें मोर देन वन टाइम होगा। जैसे
कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। फिर हम नेक्स्ट होता है एडिशन पॉलीमर, और एक होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। ठीक है, अगर किस तरह का मेथड यूज किया गया है उसके बेसिस पे भी हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडेंसेशन के ऊपर, एडिशन के ऊपर, या कोऑर्डिनेशन पॉलीमर के बेसिस पे। कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे पहले हम देखते हैं कि टू एंड मोर टाइप्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स यूनाइट विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl एक्सेट्रा। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट जो है, जैसे दो टाइप की हमने ये देखा है कि दो अलग अलग मोनोमर्स की यूनिट यूनाइट हो जाएंगी, और क्या, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे कंडेंसेशन के दौरान। तो इस तरह के पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, एडिशन ऑफ मोनोमर। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन की जो बात है उसको हटा देते हैं, इसमें डायरेक्ट एडिशन होगा, और दो रिएक्टेंट, दो मोनोमर के यूनिट से जो भी ऐड होके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा एडिशन पॉलीमर कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। इसमें जैसे मेटल लिगेंड का जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि एक एलिमेंट और लिगेंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना, जिस तरह की फॉर्मेशन होती है वो होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। इसमें मेनली हम किलेट फॉर्मेशन की बात करते हैं। इस पॉलीमर के दौरान हम बेसिकली किलेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, और इसके दौरान हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से हमने तीन जो है पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया, कंडेंसेशन, एडिशन एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का वो है कॉन्जुगेटेड एटम। कॉन्जुगेशन है एटम्स के दौरान किन किन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कॉन्जुगेशन बिटवीन मान लीजिए सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ही हो गया। जैसे हम सिलिकॉन्स में बात करते हैं तो वो इस कैटेगरी में फॉल होंगे। मान लीजिए हम करते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन पी एंड एन। ठीक है, यानी फॉस्फोजेंस की जब हम बात करेंगे तो कॉन्जुगेशन बिटवीन पी एंड एन की बात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी एन एक्स टू एन। ठीक है, तो ये है कॉन्जुगेशन बिटवीन पी एंड एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर। यहां इसकी जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे तो R2SiON। ठीक है, ये सिलिकॉन्स एंड ये फॉस्फोजिंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन बिटवीन
सल्फर नाइट्राइड। तो इस तरह के हम मतलब एटम्स के बीच में कॉन्जुगेशन लेके किस एटम के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है हम उनसे क्लासिफाई करते हैं। ये हमारी सिंपल जो है क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की। इसके अलावा भी हम पॉलीमर्स को और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक क्लासिफिकेशन जो ज्यादातर बुक्स में लिखा था ऑन डायमेंशनल बेसिस, डायमेंशनल के बेसिस पे, जैसे 1D, 2D, 3D। तो 1D में हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं वो होती है लीनियर पॉलीमर्स। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको इधर बताती हूँ कि किस तरह से इसको वो किया है। ये हालांकि आपके उसमें दे नहीं रखा, लेकिन कुछ बुक्स में इसका जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हम डायमेंशंस के बेसिस पे, डायमेंशंस के बेसिस पे किस तरह क्लासिफाई करते हैं हम उसको 1D, 2D या हम 3D के बेसिस पे कर सकते हैं। 1D में तो लीनियर और zigzag टाइप के आते हैं, लीनियर एंड zigzag। जैसे अगर कोई इनऑर्गेनिक पॉलीमर लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, या फिर वो zigzag इस तरह से फॉर्म में प्रेजेंट है। 2D में हम बात करेंगे क्रॉस लिंक्ड और ब्रांच्ड की, ठीक है। 3D में और मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके डायमेंशंस के बेसिस पे भी इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है। आगे की आने वाली क्लास में हम सिलिकॉन्स को डिटेल में स्टडी